सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को लेटेस्ट टेक न्यूज और रोजगार न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। और आप चाहते हैं कि सबसे पहले हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको मिले, तो साथ में दबाइए बेल आइकन को। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं डिजी क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको जो एयरफोर्स का जो फॉर्मेट है ऑफलाइन में जो भरना है, ये फॉर्मेट मेरे सामने है, ये दिखा रहा हूँ आपको। ये सारा फॉर्मेट है, ये मैं खुद टाइप किया है और इसको मैं आपको दे दूंगा। अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे पहले, फॉर्म को भरने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या भरना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आपको फॉर्म भरने में आसानी होगी और आपको भी समझ में आ जाएगा। चलिए हम दिखाते हैं आपको। हेलो फ्रेंड्स, चलिए आपको दिखाता हूँ कि पहले क्या क्या डिटेल्स हैं। देखिए आप दिखा रहा हूँ, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी। ये दोस्तों गुड़गांव से निकला है। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे स्टेप बाय स्टेप, जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं फिर आपको आगे दिखाऊंगा फॉर्म को हाथ से भरकर कैसे भरेंगे आप। देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज या पोस्ट, देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो है टेलीफोन ऑपरेटर ग्रेड टू, इसके लिए जो आपको दोस्तों मेट्रिकुलेशन चाहिए या जो इक्विवेलेंट है वो चाहिए, और जो है साथ में जो है प्रोफेंसी इन हैंडलिंग प्राइवेट एक्सचेंज बोर्ड, यानी आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए आप दिखा रहे हैं डिजिरेबल फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, यदि आपको इंग्लिश आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ये दिखा रहा हूँ इसमें कितने पोस्ट हैं, टोटल 7 पोस्ट हैं और आउट ऑफ 7, यानी 7 पोस्ट में से एक पोस्ट जो है दोस्तों वो पीएस के लिए है। आगे चलते हैं, देखिए एमटीएस, इसके लिए भी मैट्रिक होना चाहिए या इक्विपमेंट होना चाहिए। डिजिटेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस एज वॉचमैन, लेस्कर ऑपरेटर एंड माली फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड एंड इंस्टीट्यूट, ये डिजिटेबल है, यानी जरूरी नहीं है, है तो अच्छी बात है। इसमें भी टोटल 3 पोस्ट है। देखिए तीसरा है सफाई वाला या हाउसकीपिंग स्टाफ, इसके लिए भी दोस्तों मेट्रिकुलेशन चाहिए, नहीं 10वीं पास के लिए तीनों पोस्ट है, इसमें 6 पोस्ट है, देख रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। फटाफट बता रहा हूँ आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है, और दोस्तों यहाँ पर देखा ओबीसी के लिए वो 3 साल छूट है और SC ST के लिए वो 5 साल छूट है, जो भी नियम है आप आगे देख लीजिएगा। पे स्केल दोस्तों यहाँ पर दिखा रहे हैं ग्रेड, आपका जो टेलीफोन ऑपरेटर है उसके लिए लेवल 2 में, है ना, 7th पे है दोनों के लिए, इसके लेवल 1 है MTS वाले के लिए। आप चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन पे, देखिए ये दोस्तों दिखा रहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज इज सब्जेक्ट टू, ये जो है दोस्तों चेंज हो सकता है, घट बढ़ सकता है। ये देखिए द एबव पोस्ट कैरी एन ऑल इंडियन सर्विस, ये दोस्तों पूरे स्टेट के लिए है, यानी सारे भारत के लिए कोई भी स्टेट इसे भर सकता है। एप्लीकेशन सबमिटेड टू प्रोफॉर्मा एज पर एसेसमेंट, यानी ये जो दिया गया है इसके अनुसार आपको फॉर्म भरना है, ये जो प्रोफॉर्मा। और यहाँ के दिखा रहा हूँ ये सब होना चाहिए किसी साथ विथ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, यानी आपका साइन क्या होगा, खुद का होना चाहिए, किसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपको डेट ऑफ बर्थ हो एंड कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप दे रहे हैं तो इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए, विल ओनली बी एक्सेप्टेड, तभी आपको ये एक्सेप्ट होगा। और बताइए दोस्तों यहाँ दिखा रहा हूँ कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं भेजना है एप्लीकेशन के साथ में, भूल से भी नहीं भेजना है। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कास्ट, यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ओबीसी का जो है या SC है उसको, SC ST का उसको आपको देना पड़ेगा, तभी वो मान्य होगा, राज्य सरकार का ये मान्य नहीं होगा। और जो आपको एप्लीकेशन दोस्तों वो भरकर कहाँ भेजना है, इस पते पर भेजना है, ये देख रहे हैं आप, द एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्सर जो है गुड़गांव, यहाँ भेजना है। अगर चलते हैं द पोस्ट एंड कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड मस्ट बी क्लियरली, ये आपको साफ साफ लिखा होना चाहिए ऑन टॉप राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द एनवेलप, यानी जो मेन एनवेलप है उसके ऊपर में आपको जो पोस्ट का नाम और कैटेगरी ये आपको जरूर लिखना है, याद रखिएगा। अगर चलते हैं, देखिए एप्लीकेशन आर टू बी फॉरवर्डेड ओनली थ्रू ऑर्डनरी पोस्ट, देखिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो फॉर्म भेजना है सिर्फ आपको साधारण डाक से भेजना है, उसके अलावा देखिए दिखा एप्लीकेशन सेंट थ्रू रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट विल बी नॉट एक्सेप्टेड, यानी आपको जो है उसके द्वारा आप किसी से भेजेंगे रजिस्ट्री से, स्पीच पोस्ट से या कुरियर से, ये आपको एक्सेप्ट नहीं होगा, इसलिए याद रखना दोस्तों आपको सिर्फ साधारण डाक से यानी ऑर्डिनरी पोस्ट से ये इसको भेजना है।
लास्ट डेट जो है दोस्तों वो 30 दिन है जब से ये निकला, यानी समझिए कि आप 3 अक्टूबर तक इसे भर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में देख सकते हैं। चलिए आपको दिखा रहा हूँ मेन मेन पॉइंट जी, आप इसे कोडिंग डेट के बाद भेजेंगे तो इसको आपको ये रिजेक्ट कर देगा। यदि आपको ये इनकम्प्लीट रहेगा फॉर्मेट तो उसको भी आप रिजेक्ट कर देगा। देखिए दोस्तों यहाँ दिखा रहा हूँ आपको मेन चीज़ कि जो आपको साथ जो फॉर्म भेजिएगा फॉर्म के साथ में एक सेल्फ एड्रेस्ड यानी आपको लिखा हुआ पता होना चाहिए इन्वेलप, जिसमें कि 5 रुपया का स्टाम्प होना चाहिए। आप साथ में आपको भेजना है इन्वेलप में भर के, एक दूसरा इन्वेलप छोटा जिसमें कि आपका एडमिट कार्ड बन के आएगा। एग्जाम जो दोस्तों वो जो आपको जहाँ पर भेज रहे हैं वहीं पर होगा, आपको जो जो कलेक्टर आएगा आपको वहीं जाना पड़ेगा गुड़गांव, इसमें आपको TADA कोई भी अलाउंस नहीं होगा। यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं सेमी गवर्नमेंट में, PSU में या गवर्नमेंट में, तो वो भी थ्रू प्रॉपर चैनल से इसे भेज सकते हैं एप्लीकेशन। चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको दोस्तों, इसमें जो है एग्ज़ाम होगा, आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए, उसके बाद कॉल फॉर रिटन टेस्ट, उसके बाद आपको एग्ज़ाम कैसे हो चाहिए दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ दिखा रहा है जनरल इंटेलिजेंस, उसके बाद रीजनिंग है, जनरल इंग्लिश न्यूमेरिकल है, एप्टीट्यूड है एंड जनरल अवेयरनेस है। इसके लिए फॉर 10th स्टैंडर्ड के लिए, यानी आपको 10th में जो भी है स्टैंडर्ड उसी हिसाब से आपको पूछा जाएगा। तो ये सब था मेन मेन इन्फॉर्मेशन जो आपको उम्मीद है कि मिल गया होगा। अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका प्रोफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन है, ये आपको दोस्तों कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि इंडिया लेवल का जॉब है, आपको कोई भी दुकान पर नहीं मिलेगा। और दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा। चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको फॉर्म भरकर कैसे फॉर्म भरते हैं। हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं फॉर्म भरने के लिए अपना ऑफलाइन फॉर्म एयरफोर्स वाला। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है प्रोफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन, ये देख रहे हैं ये, चलिए देख रहे हैं एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यानी जो आपका पोस्ट का नाम है इसके लिए भर रहे हैं वो यहाँ डालना है। और यहाँ देखिए पहला नंबर पोस्ट अप्लाइड फॉर, वही सेम चीज़ जिसके लिए आप डाल रहे हैं वो डालना है आपको। देखिए दूसरा नंबर नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यानी आपको लिखना है बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर में जो आपका नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। देखिए तीन नंबर फादर या हस्बैंड नेम, अगर आप फीमेल हैं तो अपने अगर शादी हो गई है डाल सकते हैं हस्बैंड नेम, वरना आप डालिए अपना फादर नेम। देखिए चौथा नंबर देखिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो आपको डेट ऑफ बर्थ है उसे लिखना है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर डेट, यहाँ पर मंथ, यहाँ पर ईयर, ठीक है। यहाँ देखिए दिखा रहा है अटैच्ड कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ एडजस्टेड, यानी जो भी सर्टिफिकेट में आपको डेट ऑफ बर्थ है उसको सेल्फ एडजस्टेड करके आपको लगाना है साथ में एडजस्ट। देखिए पांच नंबर दिखाते हैं आपको एज, एज ऑन लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी आपका जो डेट दिया गया है लास्ट डेट इसको एप्लीकेशन करने का, उस तक आपको डेट ऑफ बर्थ से कितना ईयर, कितना मंथ और कितना डेज हो रहा है। दोस्तों ये आप कैसे निकालेंगे आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस पर मैं आपको अपना लिंक दे दूंगा एक्सेल शीट पे, वहाँ डायरेक्ट अपना डालिए और फटाफट आपका निकल जाएगा अपना डेट ऑफ बर्थ और जो कट ऑफ डेट है। मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक पा सकते हैं, ये फॉर्मूले का वहाँ से मिल जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं छः नंबर एड्रेस फॉर द कोरेस्पोंडेंस, यानी आप कहाँ पर मंगाना चाहते हैं अपने एडमिट कार्ड को, यहाँ भरना है विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड जो भी अपना भर लेना है। देखिए सात नंबर परमानेंट एड्रेस, आपको जो भी जहाँ रहते हैं जहाँ का आप निवासी दे रहे हैं वहाँ पर डालना है आपको सेम चीज़ जो भी है पिन कोड, स्टेट वगैरह, डिस्ट्रिक्ट डालना है। चलते हैं आगे आठवां नंबर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अटैच्ड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट सेल्फ रजिस्टर्ड, जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है या आपका मार्कशीट है उसको भी सेल्फ रजिस्टर्ड खुद का आप साइन किया हुआ आपको इसमें अटैच करना है फॉर्म के साथ में, याद रखना है। नौ नंबर एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, कोई भी अगर आप ज़्यादा किए हैं एक्स्ट्रा उसको भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। सब दोस्तों होना चाहिए सेल्फ एडजस्ट, याद रखना है आपको। देखिए दस नंबर कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड, आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई किस कैटेगरी में, अनरिजर्व है, OBC है, ST है ना, ESM है, PH है, HBA जो भी है वो डाल देना है आपको सब। देखिए दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ
बार बार दिखा रहा है, अटैच सेल्फ अटेस्टेड कास्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको अटैच करना है सेल्फ अटेस्ट किया हुआ। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर, देखिए टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस अगर है तो यहाँ पर आपको यस लिख के उसको अटैच कर देना है फॉर्मल के साथ में। 12 नंबर डोमिसाइल अटैच सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी, है ना, अगर आपको डोमिसाइल है तो सेम चीज़ आपको सेल्फ साइन करके लगा देना है इसमें अटैच करके। 13 नंबर वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। दोस्तों आजकल क्या है कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आप अपने एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज है आपका जो जो जॉब प्रोवाइड करती है आपको वहाँ अगर आपने रजिस्टर कराया है यदि ये सी एन ओ अगर यदि कराया है तो आपको उसका क्या करना है मेंशन करना है रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर यस करते हैं तो आपको ये देना पड़ेगा ये चीज़, अगर नो करते हैं तो नहीं देना है। ठीक है, 14 नंबर यहाँ पर ये क्या है डिक्लेरेशन है आपको पढ़ लेना है, आई हेरा सर्टिफिकेट जो भी है इसको भर लेना है, अपने भरना नहीं है मतलब इसको आपको पढ़ लेना है और उसके बाद सबको सही है यहाँ पर डेट जिस दिन भर रहे हैं आप डेट यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। ठीक है, देखिए इसको दोस्तों यहाँ दिखा रहा है, उसके बाद आपको ये चीज़ उसके बाद यहाँ आगे दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ ऊपर में है पेस्ट ए सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यहाँ पर भी आपको अपना फोटो लगाना है और साइन करना है अपना क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड लिखा हुआ है, आधा करना है फॉर्म में और आधा करना है फोटो के ऊपर। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मेरा फॉर्म यहाँ तक फिल हो गया। आगे देखिए फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, इसके नीचे दोस्तों आपको भरना नहीं है। ठीक है, इसके नीचे क्या है कि सारा आपको ऑफिस भरेगा, रिसीव ऑन इन कब आपका वो फॉर्म रिसीव किया वो डेट डालेगा जो भी है, आपको कुछ नहीं भरना है। और देखिए यहाँ दिखा रहा है कट हेयर, ठीक है, यहाँ से जो है आपको काटना नहीं है, दिखा दे रहा हूँ आपको, वो खुद आपको काट के ये दिखा रहा है एक्नोलेजमेंट कार्ड, यानी दिस इज कॉल लेटर फॉर रिटर्न टेस्ट। यदि आपको रिटर्न टेस्ट के लिए कॉल लेटर भेजता है और आप एलिजिबल हो जाते हैं सब कुछ आपको सही रहता है तो आपका ये चीज़ जो है एडमिट कार्ड बन के आ जाएगा, आपको कुछ नहीं भरना है, नाम फादर्स नेम जो भी है आपको वो खुद भरेगा, डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स नंबर डेट ऑफ टाइम इंटरव्यू इंटरव्यू कब होगा डेट वेन्यू कहाँ पर दिया जाएगा अपना स्टाम्प वो लगाएगा और वो देखिए दिखा इस सिग्नेचर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर वो अपना साइन करेगा और यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर कहीं भी मैंसन नहीं है, इस चीज़ को आप पॉइंट कीजिएगा नॉट कंट्रोलिंग ऑफिसर इज टू अटैच द फोटो विथ हिज हर रबर स्टाम्प, यानी आपके फोटो पर वो अटेस्ट करेगा अपने रबर स्टाम्प के साथ एंड फॉरवर्ड द एक्नॉलेजमेंट कार्ड टू एलिजिबल कैंडिडेट और जो उसके लिए योग होगा उसको एक्नॉलेजमेंट कार्ड भेजेगा। तो यहाँ पर दिखा रहा आपको जो फोटो पर अटेस्ट करेगा दोस्तों वो यहाँ पर हमको लग रहा है कि हो सकता है करे लेकिन यहाँ पर कहीं भी फॉर्मेट में आपको नहीं बताया डिटेल्स में कि आपको एक्स्ट्रा देना है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जो है एक एक्स्ट्रा फोटो साटना नहीं है, एक्स्ट्रा में आपको मतलब इन्वेलप में दे देना है, अगर वो काम आएगा तो छाड़ देगा वरना दोस्तों आपको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो मैं फॉर्म भरा आपको समझ में आ गया होगा और आप आगे दिखाते हैं और आपको आगे क्या करना है, चलिए आगे दिखाते हैं आपको। ये जो फॉर्म भर दिया दोस्तों और इसके साथ में जितने भी अटैचमेंट है सबको पिनअप कर लेना है और क्या करना है इसके साथ में एक छोटा इन्वेलप, ठीक है, इसमें आपका एड्रेस टू यानी आपको जो एड्रेस है जहाँ आप मंगाना चाहते हैं कॉल लेटर यहाँ पर लिख के 5 रुपये का स्टाम्प, ठीक है, साठ के सब ये वाला सारा डॉक्यूमेंट ये फॉर्मेट आपको एक बड़ा इन्वेलप में, ठीक है, फॉर्म ये अपना लिखना है आप कहाँ से भेज रहे हैं टू आपको जहाँ भेजना है एयरफोर्स का जो गुड़गांव वाला जो पता मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ करके आपको ये सेंड कर देना है। किसके द्वारा मैं फिर बता रहा हूँ लास्ट में एक बार, साधारण डाक, ठीक है, मतलब सिंपल डाक से भेजना है, ना कोई रजिस्ट्री ना कोई स्पीच पोस्ट ना कोरियर, क्योंकि ये तीनों आपको रिजेक्ट कर देगा। ये है दोस्तों सिर्फ भेजना है साधारण डाक से। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये जो फॉर्मेट है भरा हुआ आपको जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा और पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, आप लाइक करते हैं वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं हमारे चैनल को, हमें मोटिवेट होता है हम और हमें अच्छा लगता है। दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।